ओके, वेलकम टू करियर हैक्स। हम अपने बेसिक टूल्स के चैप्टर्स में आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नया टूल कर रहे हैं, बेसिकली जिसे अलाइन कहते हैं। अलाइन का मतलब सभी को पता है। जस्ट सपोज हमारे पास एक बॉक्स है और एक हमारे पास रेक्टेंगल है। हम चाहते हैं इस रेक्टेंगल को हमारे बॉक्स से अलाइन करना, तो हम अलाइन टूल का यूज़ करेंगे। हम चाहते हैं हमारे एक स्पेयर को इस बॉक्स से अलाइन करना, या फिर इस बॉक्स को इस स्पेयर के टॉप से अलाइन करना, बॉटम से अलाइन करना, तो हम अलाइन टूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं तो जो इनिशियल फेज है, इनिशियल सरफेस है, वो उसका सबसे मिनिमम पॉइंट कहलाता है। जो सबसे टॉप का हुआ वो मैक्सिमम पॉइंट है। इस ऑब्जेक्ट के बीच का पार्ट ये सेंटर हुआ, और जहां मुझे इस ऑब्जेक्ट का गिज़मो दिखाई दे रहा है वो हुआ उसका पाइवेट। तो हमारे पास चार चीजें हैं, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, सेंटर पॉइंट और पाइवेट पॉइंट। हर ऑब्जेक्ट का आपको वो ये चारों चीजें मिलेंगे। ये मिनिमम पॉइंट जहां से आपने क्रिएट किया, मैक्सिमम पॉइंट जहां तक ये जा रहा है, सेंटर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट का है, और पाइवेट पॉइंट जहां आपका गिज़्मो है। अब हम चाहते हैं हमारा स्पीयर हमारे ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम पॉइंट पर स्नैप हो जाए, उठकर ये इसके टॉप पर चला जाए, मैक्सिमम पॉइंट पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अलाइन टूल यूज करना है जिसकी शॉर्ट की है ऑल्ट ए, और वो हमें मिलता है हमें यहाँ अलाइन टूल। ठीक है, हमने ऑल्ट ए यूज किया अलाइन टूल, इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, ऑल्ट ए किया अलाइन, किस ऑब्जेक्ट से, हमारे डेस्टिनेशन हमारे तो हमने क्लिक किया हमारे हमारे डेस्टिनेशन पर, टारगेट ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, हमारे करंट ऑब्जेक्ट ये है सोर्स और टारगेट ऑब्जेक्ट ये है। हमारे करंट ऑब्जेक्ट, हमारे जो करंट ऑब्जेक्ट है, हमें इसका पाइवेट पॉइंट, पाइवेट जो था सेंटर में, तो हमें इसका पाइवेट पॉइंट किससे अलाइन चाहिए, हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम पॉइंट पर। मैक्सिमम पॉइंट ऊपर है, हमें लेना है मैक्सिमम पॉइंट। हमारा ऑब्जेक्ट का टारगेट, हमारे जो करंट ऑब्जेक्ट का था प्राइवेट पॉइंट कौन सा था, सेंटर में, तो ये सेंटर को इसने अलाइन कर दिया। हम चाहते हैं ये और ऊपर चला जाए, तो हमारे ऑब्जेक्ट का क्या है, मिनिमम पॉइंट, तो हमने ले लिया मिनिमम पॉइंट, हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम पॉइंट से अलाइन हो जाए। ओके, ये अलाइन हो गया। ठीक है, मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया बॉक्स, इस ऑब्जेक्ट को, ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, करंट हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट ये है, ऑल्ट ए और क्लिक टारगेट ऑब्जेक्ट पर। हम चाहते हैं इसका प्राइवेट पॉइंट, हमारे इसका प्राइवेट कहाँ है, सेंटर में, तो बॉटम में है, तो इसका प्राइवेट पॉइंट किससे अलाइन हो, इस ऑब्जेक्ट के प्राइवेट पॉइंट से, मतलब टारगेट ऑब्जेक्ट के प्राइवेट पॉइंट से। तो एफ थ्री करके देखें हम, ओके, ये उसके सेंटर में जाके अलाइन हो गया। ठीक है, अब यही पर मैं टॉप व्यू से देखता हूँ F3, ग्रिड मुझे इरिटेट कर रहा है, तो जी से मैंने ग्रिड को हाइड किया, ये ऑब्जेक्ट मेरा इस पोजीशन पर। ओके, क्लिक ऑल्ट ए अलाइन, मुझे प्राइवेट टू प्राइवेट ये अलाइन चाहिए, जो हो चुका यहां से आकर ये इसके प्राइवेट तक जा चुका, लेकिन अपनी पोजीशन में नहीं चाहता कि ये छोड़े, मैं चाहता हूं ये अपनी सिर्फ और सिर्फ एक्स पोजीशन में वर्किंग करे, तो यहां से मैं वाई एंड जी पोजीशन को हटा दूंगा, तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्स पोजीशन में इसके प्राइवेट से अलाइन हो गया। ओके, अगर मैं एक्स भी नहीं रखता तो सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा, मैं चाहता हूं ये सिर्फ अपनी जी पोजीशन, तो जी पोजीशन करें, वाई तो सिर्फ और सिर्फ वाई पोजीशन को चेंज करें, इसका प्राइवेट यहां है तो इसके प्राइवेट से इसने अपना प्राइवेट कर लिया अलाइन। ओके, अब सेम चीज हम पर्सपेक्टिव में फिर से देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम पॉइंट ये है, इस ऑब्जेक्ट का प्राइवेट पॉइंट ये है, मैं ये चाहता हूं मेरा ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के हाइट में आ जाए, लेकिन इसका प्राइवेट पॉइंट इसके मैक्सिमम पॉइंट की हाइट पे आए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह ना छोड़े, ना अपना
वाई एक्सिस छोड़े ना ही एक्स एक्सिस, ये सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस में इसके टॉप तक पहुंच जाए। हमारा करंट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट ये है, हम इससे अलाइन करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट सोर्स सेलेक्ट, ऑल्ट ए, अलाइन एक्टिव, और हमने अपने टारगेट पर क्लिक किया। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस, तो हमने सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस एक्टिव किया। और पाइवेट से हमें टारगेट का क्या चाहिए था, मैक्सिमम, तो टारगेट का हमने ले लिया मैक्सिमम पॉइंट। ओके, फ्रंट व्यू में देखें ये परफेक्टली से अलाइन है। ओके, ये हुआ अलाइन टूल पोजीशन के लिए। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने स्केल किया। ओके, मैं चाहता हूं जितना स्केल मैंने इस ऑब्जेक्ट को किया, इस ऑब्जेक्ट को भी मैं इसी से अलाइन कर दूं, इसी के स्केल से अलाइन कर दूं। तो ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, अलाइन करना है, ऑब्वियसली टारगेट ये है, क्लिक। पोजीशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे किससे लेना देना है, स्केल से। जितना परसेंटेज मैंने इसे स्केल किया, मेरे सोर्स ऑब्जेक्ट मतलब करंट ऑब्जेक्ट ने भी उसी अकॉर्डिंग अपने आप को स्केल ऑटोमेटिकली कर दिया। ठीक है, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को वैल्यूज में कुछ चेंजेस किए हैं, तो इसमें किसी भी तरीके के चेंजेस अलाइन से नहीं आएंगे। स्केल मतलब हमें स्केल से ही अलाइन कर पाएंगे। हम इसे हाइट में छोटा करते हैं, देन अलाइन ऑटोमेटिकली स्केल में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर ये मुझे रोटेट करना है, मुझे सेम एंगल में इसे रोटेट करना है ऑब्जेक्ट को, क्लिक ऑल्ट ए, स्केल से अब मुझे मतलब नहीं, ट्रांसलेट से मतलब नहीं, मुझे रोटेशन से। ओके, दोनों सेम एक्स रोटेट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा अलाइन टूल था, काफी अच्छा टूल है। काफी चीजें हैं जो काम करते वक्त हमें दिक्कत देती है, तो अलाइन टूल से हम उन्हें एक दूसरे से अलाइन कर पाते हैं, उनका लोकल एक्सिस हम चेंज कर पाते हैं, और स्केल मैच करा पाते हैं, और बड़ी फाइल में इजीली एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर शिफ्ट कर पाते हैं। इससे हमारा टाइम भी बचता है। ओके, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हम ऐसे ही कुछ बढ़िया से टूल्स की डिटेल ट्यूटोरियल आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।